करण भाई तुझे आने दे। हेलो हेलो बच्चे लोग ले, बच्चे लोग पहले फोटो जाने का भाई यहां पे आ जाओ। अरे जीजे आज किसका बर्थडे है? गोला की फर्स्ट बर्थडे पे आए हम लोग। करण भाई मैं किधर पकड़ेगा? हैप्पी बर्थडे मिलो मुझे मैडम वाले को छोड़ो अच्छी मैम मैम इस नो नो इट्स ओके लेट इट गो। ओके सो आज गोला का पहला बर्थडे क्या कुछ कहना चाहोगे बर्थडे के लेके कितने ज्यादा एक्साइटेड हो? आज का हमारा एक ही लक्ष्य है उसको इतनी सारी झप्पियां और किचियां देना ना सच में के गाल लाल हो जाए। मैम आप क्या कहना? आई रिमेंबर जब बात थी एक्सपेक्टिंग थी किसी हमें पहले बताया था वी वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू नो और बेबी को घर देखने आई थी और वो भी कह रही मुझे ऐसी गोलू लड़की चाहिए। तो बाय द वे यू नो व्हाट भारती सेड कि उसको एक फिर से मां बनना है। You know that, right? What? Yeah, that's good. हाँ मैंने भी सुना है एक इंटरव्यू में कि she wants to become a mother again. She wants a girl. I think she wants a girl. She उन्हें पहले एक लड़की चाहिए थी वो लड़का हो गया वो कोई बात नहीं ठीक है कैसे कैसे नहीं नहीं पास से कैसे पलट गए ना लड़का हो गया कोई बात नहीं नहीं तो पहले ऐसे हुआ करता था अरे लड़की हुई है कोई बात नहीं यू नो इट्स ओके फिर से ट्राई करना। बट अगर कुछ अगर टिप देना हो क्योंकि आप तो काफ़ी सारी टिप दे सकते हो। मैं तो भाई मैं ना इस पर एक PhD मैंने बगैर पढ़े कर ली है कि बच्चे कैसे पैदा करना है। एक टिप हम देंगे कि यू नो मैंने काम तो आता ही रहेगा ये टाइम जितना स्पेंड कर सकते बच्चों के साथ स्पेंड करो क्योंकि बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। वी बीन थ्रू इट ट्वाइस ऑलरेडी अभी जो अभी 6 साल के हुए वी मिस देम बीइंग लिटिल और हम वी आर सो थैंकफुल दैट हमें दोबारा एक मौका मिला विद अ लिटिल बेबी टू गो। एक टिप ये देना चाहूंगा हम लोग अभी बैंगलोर गए थे बैंगलोर आश्रम ओके श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम में गए थे और हम हमारे दोनों बच्चों को लेकर गए थे। ऑफकोर्स जिया बहुत छोटी है उसको नहीं देख रहे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को है ना ऐसी जगहों पर लेकर जाओ। रिलीजियस प्लेसेज एंड ऑल आर फाइन यू नो एक वो अलग ही वाइब्रेशन देख जैसे आश्रम होते हैं जैसे स्पिरिचुअल रिट्रीट्स होती है उन्होंने इतनी 6 साल की उम्र में दे लर्न हाउ टू मेडिटेट
यू नो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड्स. वी लव्ड इट. हम लोग तो मतलब बहुत सारे कोर्सेज हैं तो हमें लगा कि इन लोग को अभी से आप जोड़ दो स्पिरिचुअलिटी में तो बड़े होकर फ्यूचर बनेंगे हमारे पूरे कंट्री के. करण आने वाले समय में क्या कुछ नया आने वाला आपके तरफ से? इनफैक्ट आपने गाने का नाम लिया तो एक गाना आने वाला है और क्या सरप्राइज होगा वो मैं आपको अभी नहीं दे सकता हूँ लेकिन बहुत ही कमाल होने वाला. आप हमेशा सरप्राइज देते हो. क्या करो यार, पूनम पांडे का काफी सरप्राइज दिया. ब्रिलियंट सॉन्ग था. अगर ऐसा ही कुछ मिले जिसमें एक अच्छा मैसेज भी हो वो सॉन्ग में काफी अच्छा मैसेज था. नो, नॉट यट, नॉट यट. ठीक है, बीवी ने बोल दिया अभी मत बता. नहीं हिंट नहीं, आज माहौल अलग है, आज पार्टी का माहौल है बट एक गाने से ही रिलेटेड है. सो वेरी सून बाय दिस अप्रैल ओनली विल गिव यू द रिवीलिंग न्यूज़. करण लॉकअप 2 का काफी सारा जिक्र हो रहा है, कुछ अगर आप बताना चाहोगे? यार मेरे मैसेजेस और मेरे फोन, मेरे व्हाट्सएप लॉकअप 2 से नहीं, बिग बॉस डिजिटल OTT से भर गए हैं रियली. और मैं सोच रहा हूँ कि इसको वहाँ पे धकेल दो रियली. करण यू डिड बिग बॉस, यू डिड OTT, नहीं सॉरी लॉकअप, OTT को एक्सप्लोर करना चाहोगे? क्योंकि आपका हमेशा गेम बहुत अच्छा रहता है. आई हैव सीन बोथ द गेम. व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? मैं वही सोच रहा हूँ क्या बचा है. हाँ नहीं बट फिर भी OTT भी ट्राई करनी चाहिए. यू शुड ट्राई एवरीथिंग. या यू शुड ट्राई एवरीथिंग. ओके जैसा भी हो. लॉकअप वाज टेरिफिक. लॉकअप वाज फैंटास्टिक. सो ठीक है, अगर OTT होगा बिग बॉस देखिए. बट करण की एक एक चीज अच्छी है, जहाँ भी जाते बिग बॉस के घर पे एक अलग फैमिली थी, लॉकअप के घर पे एक अलग फैमिली थी. जो जो बिग बॉस में रिलेशन इनका श्रीशांत के साथ था काफी अच्छा लगता है. नहीं अब वो एक चीज रियलाइज. इनकी एक बहुत अच्छी आई डोंट नो आदत है, हैबिट है और नेचर है. बीच में बोलता है. हाँ ये भी है. जो बोलता रहता है ये बीच में. जो सब लोगों को एक को इनको पता है कैसे अपनाना है सबको. चाहे लोग कुछ भी किसी के बारे में बोलो, इनका दिल इतना बड़ा है दैट ही मेक्स एवरीवन हिज ओन. एंड आई थिंक कोई भी जो चाहे बिग बॉस लॉकअप ऐसे शोज हो, दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी टू हैव. फाइट करो जब फाइट करने का ज़रूरी होता है, बट also have a big enough heart ki sabko understand karo ki kya feel karte honge wo. yes thank you. and bahar se inka bhi support hamesha rehta hai. inka to hamesha rehta hai, isliye main jo is baar ye andar jaye bahar se main support karu. main khel chuki hu bahar se khel chuki hu. ek kaam karte dono chale kya? ha yes ha good idea. dono chalte hain. are ha bachche chutti lenge. बच्चों को गुरु जी के आश्रम में छोड़ देंगे. गुरु जी संभालेंगे. वो संभाल लेंगे. ग्रेट आइडिया, ग्रेट आइडिया. ये आई सब आई मुझे एक्साइट कर दिया. मैं संभाल लूंगा. चलो थैंक यू.